IPLschool.in। आज हम इस लेसन के अंदर आपको IPL की फेमस ट्यून सिखाएंगे। अब IPL शुरू होने वाली है, काफ़ी लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट दी है कि हम आपको IPL की ट्यून कीबोर्ड पे सिखाएं, तो आज हम आपके लिए लेके आए IPL की ट्यून ऑन कीबोर्ड पे। तो आइए चलते सीखते IPL की ट्यून। IPL की ट्यून को दो पार्ट में हम लोग ने स्प्लिट अप किया हुआ है। एक है उसकी जो मेन ट्यून, वो एक है उसकी रिदम। तो ये दोनों को हम अलग अलग सीखेंगे। तो पहले हम उसकी मेन ट्यून देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये ट्यून डी माइनर स्केल में बनी हुई है, जो ओरिजिनल स्केल यही है, सी डी ई फ्लैट एंड एफ। ये चार नोट इसके अंदर यूज करके हमें ये ट्यून प्ले करनी है। शुरू होगा डी से। तो पहले हम इतने पार्ट ही सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ताकि आपको विद इन 15 टू 20 मिनट्स में ये ट्यून आपको मेमोराइज हो जाए और फ्लूएंटली आप प्ले कर सकोगे। ओके, तो शुरू करते डी से। फर्स्ट फिंगर सी पे लेना है, सेकंड फिंगर आपको डी पे लेना है, थर्ड फिंगर आपको ई फ्लैट पे, एंड फोर्थ फिंगर आपको एफ पे। तो इस तरह से आपको फिंगरिंग यूज करके प्ले करना है। ध्यान में रखिए, अगर आपकी फिंगरिंग ठीक आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपको ट्यून प्ले करने में दिक्कत आएगी, आप ठीक से प्ले नहीं कर सकोगे, जो फ्लो आना चाहिए वो नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है, जो फिंगरिंग बताई गई हुई है इस लेसन के अंदर, उसी फिंगर को आप यूज कीजिए। तो सेकंड फिंगर आपको डी से शुरू करना है। तो पहले होगा डी यानी ई फ्लैट, ध्यान में रखिए। इतना पार्ट सीखेंगे स्लो में। इस तरह स्लो से आप इसकी ट्यून समझ लीजिए, टाइमिंग समझ लीजिए, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड में आना है जो एक्चुअल स्पीड है। अभी सीख रहे इसलिए स्लो में सीखेंगे, धीरे धीरे उसकी एक्चुअल स्पीड यानी कि टेम्पो में हम लोग प्ले करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, तो इतना आपको प्ले करना है। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको 5 से 10 बार प्ले करके तैयार कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। आइए चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब तक हमने सीखा है उसका फर्स्ट पार्ट, यहां तक सीखा है। उसके बाद सीखना है आपको डी ई एफ ई फास्ट प्ले करना है आपको। तो ई एफ ई डी, ये चार नोट है, फास्ट आपको प्ले करना है। ये डी सी तो स्लो में, तो वीडियो को पॉज करके ये सेकंड पार्ट को भी आप ध्यान से सीख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। उसके बाद हम दोनों पार्ट को साथ में प्ले करेंगे। तो वीडियो को अभी पॉज करके तैयार कर लीजिए। आइए चलते हैं अभी दोनों पार्ट को साथ में प्ले करके देखेंगे। पहले स्लो में करना है और धीरे धीरे उसकी एक्चुअल टेम्पो में यानी एक्चुअल स्पीड में हमें प्ले करना रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है और आपको तैयार करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्मूथली और एग्जैक्ट ट्यून के हिसाब से प्ले कर सकोगे। तो प्रैक्टिस करते रहना है। फिर से एक बार, ये
ये होने के बाद एक्चुअल स्पीड, तो ये आपका पूरा ट्यून रेडी हो गया। अभी हम जाएंगे उसकी रिदम जो प्ले हो रहा है मेलोडी रिदम, उस पर हम सीखेंगे। तो अभी के लिए आप वीडियो पॉज कीजिए और ये दोनों पार्ट को कनेक्ट करके एक्चुअल स्पीड में तैयार कर लीजिए। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए चलते हैं अभी उसके रिदम पार्ट पे जो बज रहा है। ये अभी इसके अंदर ये स्टकाटो स्टाइल कहते हैं, इसको बजा के छोड़ देना है। काफी लोग रॉन्ग, इसमें से आपको वो फील नहीं मिलेगा जो एक्चुअल प्ले किया हुआ ट्रम्पेट में बजा हुआ है। ये ट्रम्पेट हमने वॉइस सिलेक्ट किया हुआ है, तो ट्रम्पेट में ये स्टकाटो स्टाइल आपको प्ले करना पड़ेगा, एक्चुअल फील मिलेगा आपको, जो एक्चुअल ट्यून है उस तरह से प्ले होगा। तो उसको प्ले करके छोड़ देना है, इस तरह से करना है। पर पहले हम ठीक से उसको समझ लेते हैं किस तरह से बजाना है। 1 2 3 4 यानी 4 5 6 इस तरह जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 3 बार 1 2 3 आएगा, उसके बाद आपको डी ई इस तरह से प्ले करना है। ओके, तो 3 बार डी, 4 डी, आपको डी ई डी ऐसा प्ले करना है, यानी डी ई फ्लैट डी, ई यानी ई फ्लैट ध्यान में रखिए। फिर से स्लो में, इस तरह से स्लो में आप सीख लीजिए टाइमिंग के साथ। एक भी नोट ज़्यादा या कम या आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और 5 से 10 बार प्ले करके तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम सिखाएंगे। आइए चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा हुआ है सेम इसी तरह है, जहां ई फ्लैट बजा था उसी जगह पर हमें ये एफ बजाना विद 4 फिंगर्स है, फर्क उतना ही है। फर्स्ट में हम लोग डी ई डी बजाते, और सेकंड पार्ट में हम डी एफ डी बजाना है। आगे 3 बार डी बज रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड टाइम में इस तरह से प्ले हो रहा है। तो फिर से एक बार, तो वीडियो को पॉज करके ये लाइन को भी ठीक से सीख लीजिए, उसके बाद हम दोनों लाइन को साथ में प्ले करेंगे। आइए चलते हैं अभी दोनों लाइन को कनेक्ट करके एक साथ में प्ले करेंगे एक्चुअल स्पीड में। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, इसलिए 2 बार 4 बार इसे प्ले कर सकते हो। एक्चुअल ट्यून सुनिए और उसके अनुसार आप प्ले कर सकते हो। ओके, ये आपका सेकंड पार्ट भी तैयार हो गया। अब हम फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों को साथ में प्ले करेंगे। देखिए, आप या तो पहले सेकंड पार्ट को से शुरू कर सकते हो या फर्स्ट पार्ट से भी शुरू कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको किससे प्ले करना है, दोनों में चलेगा। कुछ लोग पहले ये बजाते हैं, इस तरह से बजाते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 1। कुछ लोग डायरेक्ट पार्ट 2 से शुरू करते हैं,
मिक्सर है, दोनों तरीके से आप प्ले कर सकते हो, डिपेंड्स कौन सा माहौल में आपको प्ले करना है। जब ये रॉकिंग टाइप की पार्टी होती है उसमें प्ले करना है तो डायरेक्ट रिदम से प्ले करो, ताकि क्या एक रॉकिंग में लोगों को एक फील मिले जो रिदम होते डांस करते हैं, तभी आप डायरेक्ट रिदम से प्ले करेंगे तो लोगों को रिकॉल हो जाता है कि अभी आईपीएल की ट्यून प्ले होने वाला है। तो इससे आप प्ले कर सकते हो, डिपेंड्स माहौल के हिसाब से हर एक का टेस्ट अलग है, तो आइदर और आप कैसे प्ले कर सकते हो। तो इस तरह से पूरी ट्यून आपको प्रैक्टिस करके तैयार कर लेना है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगेगी आपको तैयार करने में और एकदम फ्लूंट हो जाएगा आपको। तो दोस्तों आपको ये ट्यून कैसी लगी कमेंट में आप लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हर हफ्ते हम आपको एक नया लेसन सिखाएंगे, जो आपको नया नया सीखने मिलेगा कि वो गिटार में हम नए नए लेसन लेके आएंगे आपके लिए, और कम्प्लीटली फ्री है, डिटेल में ट्यूटोरियल्स होगा हर चीज़ का। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी दीजिए कि नेक्स्ट कौन सी ट्यून आपको सीखना है, तो हम ध्यान रखेंगे कि आपकी डिमांड हम पूरी करें करके, कि जहाँ मैक्सिमम सॉन्ग की डिमांड होगी वो सॉन्ग हम पिक करके आपको सिखाएंगे कीबोर्ड पे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेसन के साथ। बाय, थैंक यू।